हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ फराह खान की, उनके अनुसार फराह खान की वर्ल्ड फेमस लोखंडवाला की वर्ल्ड फेमस रोस्ट चिकन, जो ना एयर फ्रायर में बनती है, ना कढ़ाई में फ्राई होती है, ना माइक्रोवेव में जाती है, ना ओवन में जाती है, ये डायरेक्ट बनती है पानी में। तो ये मुझे देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि जो है आजकल सभी चाहते हैं कि हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। तो ये वाकई में ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। इसके लिए मुझे चाहिए है पूरा चिकन, पूरा साबुत चिकन चाहिए, कटा नहीं चाहिए। और उन्हीं ने डाला है मस्टर्ड पेस्ट, तो मस्टर्ड पेस्ट तो अवेलेबल नहीं था, मेरे पास मस्टर्ड थी, मैंने इसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दिया है। और लहसुन का पेस्ट जाएगा, तो पहले हम इन दोनों को मिला के पीस लेते हैं, मस्टर्ड का और लहसुन का पेस्ट मैंने पीस के रख लिया है। और ये चिकन को फराह खान ने तो नहीं जो है गोदा था ऐसे ऐसे करके फोक से, पर मैं थोड़ा सा कर दूँगी ताकि इसमें अंदर तक मसाला पहुंच जाए। सबसे अच्छी बात तो मुझे इसकी ये लगी कि इसमें ना ज़्यादा मसाले जाते हैं, ना मैरिनेट करना है, ना कोई झंझट, ना कुछ भी नहीं करना, बहुत कम मसालों में फटाफट बनने वाली रेसिपी है। बस थोड़ा सा धीमी आंच पे गलाने में जो टाइम लेगी, वरना मैरिनेशन वगैरह का झंझट नहीं है, फटाफट बन जाएगी। मतलब तीन झाम नहीं है कि ये लाओ वो मिलाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको मैंने गोद लिया है, इसको पहले मैंने वॉश करके अच्छे से इसको पोंछ लिया था। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ये ऑलिव ऑयल, उन्होंने ऑलिव ऑयल में बनाया है तो हम भी इसको ऑलिव ऑयल में ही बनाएंगे। तो ऑलिव ऑयल में बनाने के लिए थोड़ा सा इस पर डालेंगे, उसको हाथ से रब कर लेंगे अच्छे से। तो हम लेंगे पहले ऑलिव ऑयल, उसको लेंगे थोड़ा सा हाथ में और इसको इस पर लगा देंगे। ऑलिव ऑयल जो है इसको अच्छे से इसके मसाज कर देंगे, इसके अंदर भी लगा देंगे हम, और इसके दोनों तरफ लगा के इसका अच्छे से मसाज कर देंगे। अब इसको मसाज करने के बाद इस पर हम डाल देंगे लेमन जूस, इसमें पूरा एक लेमन डाल देंगे हम दोनों साइड से। और इसको भी अच्छे से लगा देंगे, इसके अंदर जो मैंने सब साफ करके रखा ना, इसके अंदर भी मसाला और सब लगाएंगे। अब इसमें डालेंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च है, जिसको मैंने पीस लिया है, फराह खान ने भी इसको मिक्सी में ऐसे मोटा मोटा पीसा था, तो इसको भी हम लेके इस पर रब कर देंगे। ये तीखी नहीं है कश्मीरी मिर्च, और ये तीखी वाली है, तीखी वाली को भी थोड़ा सा डालेंगे और इसको भी रब कर देंगे। और जो चीज़ मैंने सब ऊपर लगाई है उसको चिकन के अंदर भी लगाएंगे, ताकि अंदर तक मैरिनेट हो जाए, मतलब अच्छे से इसका जो है मसाले का टेस्ट आ जाए, मैरिनेट किया अच्छे से मसाले का टेस्ट आ जाए, इसको मैरिनेट करके नहीं रखना है। और इस पर डालेंगे हम नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बस इसका सिर्फ मसाज ही करना है, मसाज इसकी जो है खूब खिदमत करनी है। और ये काली मिर्चों को मैंने एकदम फ्रेश कूटा है, इसको भी इसी पर डाल देंगे। ताज़ी कूटी हुई काली मिर्च डालिएगा तो इसके टेस्ट जो है वो खुशबू अच्छी आती है, इसको भी थोड़ा सा डाल देंगे। अब ये रहा लहसुन और मस्टर्ड का पेस्ट,
आप ये भी करते हैं कि सारे मसाले इसी में डाल के एकदम से मिला दें और ये अलग अलग करके मिलाएं। अलग अलग करने से इसका जो है ये रब अच्छा हो जाएगा। अब सारे मसाले मैंने अच्छे से लगा दिए हैं इसके ऊपर, खूब अच्छे से रब कर दिया है, अंदर तक रब कर दिया है सारा। और बस एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और उसमें ये जो मैंने चिकन रखा है ना मसाला लगा के, इसको फौरन डाल देंगे और इसका मसाला भी सारा इसी में डाल देंगे। इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि ये पानी में ये पूरा रोस्ट होगा, तो इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी, क्योंकि अभी थोड़ा चिकन भी छोड़ेगा। और गैस एकदम सिम करके इसको कवर कर देंगे ताकि ये बिल्कुल धीमे धीमे आराम से पक जाए। और ये देखिए बन के एकदम रेडी हो गया है। ये देखिए चिकन अच्छे से, ये चिकन गल भी गया है। इसको हम आपको दोनों साइड से दिखा दें। देखिए बिस्मिल्लाह पलट जाओ भाई। ये देखें कितना अच्छा, ये देखिए रोस्ट हो गया है ना। और ये मसाला जो है सब इसी के ऊपर हम लगा देंगे। ये फराह खान ने अपनी वीडियो में बनाया था बादशाह के लिए, जो सिंगर हैं, और वो बोल रही थी वो शाहरुख खान के घर भी इसको बना के भेजती हैं। तो वाकई में ये चिकन बहुत ही लजीज है, मैंने ज़रा सा टेस्ट करके देखा और बना भी बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी इसको बनने में। हम सोच रहे थे पूरा है, शायद हो सकता देर में गले, लेकिन ये आसानी से जो है जल्दी से गल भी गया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।